नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंदर रावत। और यदि मैं आज की बात करूं तो आज गुरु चंद्रमा का एक गज केसी राजयोग आपकी पत्नी के घर में बन रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आज सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे और पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। मन भी आपका एकाग्र रहेगा। वृष राशि वालों के लिए आज चंद्र गुरु का योग थोड़ा सा आज आपके कार्यों में बाधा पहुंचाएगा, पर ज्यादा तनाव वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां विजय आप ही की होगी और किसी भी प्रकार की यहां पर हानि नहीं नजर आ रही है। दोस्तों, मिथुन राशि के अंदर यहां पर जबरदस्त तरीके से उच्च पद और बड़े पद पर बैठने का एक योग बन रहा है। आज संतान सुख की वृद्धि होगी और आज आपके माध्यम से दूसरे लोगों का भला होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आज समय आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल आज गज केसी राजयोग बनाएगी और यह आपको सुख साधनों में वृद्धि करेगा। जो लोग गाड़ी से, वाहन से, आपकी जमीन जायदाद से संबंधित चीजें खरीदना चाहते हैं, आप खरीदिए, आपके लिए समय अच्छा है। सिंह राशि के अंदर ग्रहों की चाल बदलेगी और पराक्रम आपका थोड़ा सा यहां पर कमजोर होगा, पर आपका जो गुरु का बल है वो मजबूत हो जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आपको यहां पर आवश्यकता नहीं है। मिलजुल के काम करें, सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रह गति है, इसमें चंद्रमा का प्रभाव वाणी के ऊपर रहेगा, तो आज वाणी पे मान लीजिए साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। जो आप बोल देंगे वो आज कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए आप एफर्ट डालेंगे कार्यों के लिए, वो भी आपके काम बनेंगे और कुल मिलाकर के यदि कोई ऑपरेशन है तो वह सफल रहेगा। तुला राशि के अंदर ग्रहों की चाल आपकी लगन को बहुत मजबूती दे रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज आप शारीरिक तौर पर जो आपका प्रभाव होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का संचार आपके अंदर देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले आज थोड़ा सा दान पुण्य करें। माता रानी के नवरात्र चल रहे हैं, कुछ आप थोड़ा सा भंडारा वगैरह का एक आयोजन करा दें तो आपकी जो रुका हुआ काम है, जो रुकावटें आपके साथ चल रही हैं, वो निश्चित तौर पर निकल जाएंगी। यहां पर धनु राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वह व्यापार में वृद्धि लेकर के आएगा। निश्चित तौर पर जो लोग चंद्रमा और गुरु से संबंधित व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य की ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, मकर राशि के लिए आज का जो दिन है यह बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्म मजबूत हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज आपकी जो कर्म की गति होगी वो मजबूत हो जाएगी और आप काफी पॉजिटिव एनर्जी की ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का समय ठीक है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो आज मीन राशि की भी यदि हम बात कर लें तो उसका भी जो समय है वो अच्छा दिख रहा है, पर आज मोटापा, आज शुगर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आपको जरूरत है और गले छाती से संबंधित आपको विकार लगने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। दोस्तों, आपके लिए जो आज का समय है ओवरऑल सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई इतना बुरा तो नहीं नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए जरूर थोड़ा सा तनाव है। ये थी आपके आज के ग्रह। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं या हमारे विद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।